का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं सबसे आसान तरीका बताने जा रही हूँ घी निकालने का। घी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 वीक का मलाई निकाल कर रख लिया है और मैं कढ़ाई को पैन को गर्म कर चुकी हूँ, तो इसमें सारे मलाई को डाल देना है। ये देखिए गाइस, मैंने सारे मलाई को इसमें डाल दिया है और इसे मथना भी नहीं है, डायरेक्ट फ्रिज से निकालें और थोड़ा देर नॉर्मल करें और फिर इसे कढ़ाई में आप डाल दें। ये देखिए, ये मेल्ट होना शुरू हो गया है और आज मैं एक ही मलाई से 2 बार घी निकलना आप लोग को बताऊँगी और पानी से कैसे हम घी निकालते हैं ये मैं बताऊँगी। तो इसे चलाते रहना है और चलाते रहना है लगातार 10 मिनट्स तक फ्रेंड्स। और ये देखिए गाइस, मलाई एकदम मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो इसे ऐसे ही इसी प्रकार लगातार आप चलाते रहें। ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट्स हो गए हैं और इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसे और भी 5 मिनट्स और पकाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम डार्क हो चुका है इसका लेफ्ट ओवर जो है। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक स्ट्रेनर की मदद से छानकर अलग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से घी को छानकर अलग कर लिया है और ये जो लेफ्ट ओवर बचा हुआ है इसे हम वापस से कढ़ाई में डाल देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बोला था कि पानी से कैसे घी बनाना है। अब मैं आपको बताऊंगी एक ही घी से, एक ही मलाई से 2 बार हम घी कैसे निकाल सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं, एक बार में करीबन 500 ग्राम घी निकल चुका है। ये मेरी बॉल बहुत बड़ी है और आप देख सकते हैं ये आधा से अधिक भर चुका है, इसलिए ये भी घी हो गया। अब इसी मलाई से मैं दोबारा आपको घी निकालना दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, जो लेफ्ट ओवर इतने बच गए हैं, इतने सारे इसमें, तो इसमें मैं क्या करूँगी, 1 ग्लास पानी, नॉर्मल वाटर, ये मैं इसमें डाल दूँगी इस प्रकार से। और इसे गर्म करेंगे, खौलाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पानी डाल दिया है और गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे हम खौलने देंगे। एक उबाल आने तक इसे खौलने देंगे और जो एक्स्ट्रा इसमें घी है फ्रेंड्स, उसे हम स्पैचुला की मदद से सब इसमें डाल देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि एक ही मलाई से ये 2 बार घी निकाल रही है। आप देखिए, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसे बहुत अच्छे से उबाल आने तक वेट करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस घी में कितना उबाल आ रहा है, तो इट मीन्स ये अब हो चुका है। गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। मैंने गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसे एक बॉल में हम ट्रांसफ़र करके फ्रिज में डालेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गैस से उतार दिया है कढ़ाई को। अब इसे क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर की मदद से फिर से इसे छानकर अलग कर लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए गाइस, मैंने सारे मलाई को छानकर अलग कर लिया है और ये जो लेफ्ट ओवर बचा है इसे अब हम हटा देंगे। और ये आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसे छानकर अलग कर लिया है। अब इसे हम फ्रिज में 4 आवर्स के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। और ये जम जाएगा तब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे इसे घी निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने पानी से घी कैसे बनाया। और ये देखिए, घी जो है चिल्ड होने के बाद, ठंडा होने के बाद जमकर ऊपर आ गया है। और इसे एक नाइफ की मदद से हम काट कर निकाल लेंगे।
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये घी जमकर अलग हो चुका है। अब इसे हम देखिए, पानी जो है एक्स्ट्रा वो इसी में है। अब इसे हम इस प्लेट में निकाल कर रख देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, घी एकदम ऊपर जम चुका है। इसे मैंने निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है और जो एक्स्ट्रा वाटर था वो इसी में रह गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।